कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं क्लास टेंथ का प्रश्नावली आठ दशमलव दो और प्रश्नावली आठ दशमलव दो की जितने भी सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उन सभी क्वेश्चन को हम रापच्ची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दू कि इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम रापच्ची के स्टाइल में सॉल्व कर चुके हैं तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ प्यारे बच्चों क्लियर करते हैं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पे देख सकते हैं ये जो हमारे पास पास्टिगनोमेट्री टेबल जो है इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है इसे आप याद कर लेंगे जैसे कि ये कौन a के जगह पे कहने का मतलब ये थीटा का मान दिया गया जैसे यहाँ पे sin a cos a tan a cosec a sec a कॉट a है समझो कि ये थीटा के जगह पे a है ठीक है तो अगर मैं पूछूं कि भाई sin जीरो डिग्री का मान क्या होता है तो आप कहेंगे जीरो साइन तीस डिग्री का मान क्या होता है तो आप कहेंगे एक वटा दो साइन पैंतालीस डिग्री एक वटा एक वटा रूट अंडर दो साइन साठ डिग्री का मान तो एक वटा रूट अंडर थ्री साइन नब्बे डिग्री का मान क्या होता है तो एक होता है ठीक है इस तरीके से उसी तरीके से जैसे कि कॉस है कॉस जीरो डिग्री का मान कितना एक तीस डिग्री का मान कितना रूट अंडर थ्री बटा दो है ना कॉस पैंतालीस डिग्री का मान एक बट्टा दो कॉस सात डिग्री का मान एक बट्टा दो कॉस नब्बे डिग्री का मान जीरो इस तरीके से है तो ये आप लोग याद कर लेंगे बढ़िया से वैसे आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे बनाएंगे बार बार तो आपको ये याद हो जाएगा हालांकि हमने ट्रिक से कैसे निकाला जाता है ये मैंने बता दिया है आप अगर गूगल में नहीं YouTube पे सर्च करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय पंकज सर तो आपके सामने आ जाएगा प्यारे बच्चों और बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं तो आइए हम क्या करते प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन लेते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला में टोटल दिया गया है कितने सारे क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं एक से लेकर के पांच तक क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे ठीक है और आपको मान याद होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे अदरवाइज नहीं ठीक है तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कहता है कि साइंस आठ डिग्री ये कुछ चिन्ह नहीं बीच में इसका मतलब समझो इसमें गुना है तो साइन साठ डिग्री गुने में कॉस तीस डिग्री और प्लस में साइन तीस डिग्री गुने में कॉस सात डिग्री इसका मान आपको निकालना है कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों तो आइए सॉल्व करते हैं हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों जैसे साइन साठ डिग्री है तो साइन साठ डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों तो आप लिखना रूट अंडर थ्री दो होता है सर बीच में कुछ नहीं मतलब गुना का निशान है कॉस तीस डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों तो साइन साठ डिग्री का जो मान होता है ना वो कॉस तीस डिग्री के मान के बराबर होता है आप याद किए होंगे पता होगा कॉस तीस डिग्री का मान होता है क्या रूट रूट अंडर थ्री बट्टा में दो होता है प्लस है तो प्लस पटक दीजिए यहाँ पे साइन तीस डिग्री का मान कितना होता है भाई तो एक बट्टा दो होता है ओके okay, और कॉस सात डिग्री का मान क्या होता है तो इसका भी मान होता है एक वटा दो ठीक है याद रखना तीस डिग्री का मान जो होता है ना वो कौ कॉस सात डिग्री के मान के बराबर होता है तो एक वटा दो अब यहां से हम जब सॉल्व करेंगे भाई तो देखो रूट अंडर थ्री से रूट अंडर थ्री में गुना करेंगे तो रूट अंडर नौ होगा तो हमने रूट अंडर नौ डाल दिया दो से दो में गुना करेंगे तो चार अब ये प्लस है तो प्लस एक से एक में गुना किए तो एक और दो से दो में गुना किए तो चार हो गया प्यारे बच्चों कितना हो गया चार हो गया करेक्ट ये आपने समझ लिया अब हम क्या करेंगे भाई चार और चार का एल्सियम लेंगे तो चार अब देखो चार से चार में भाग दिए तो भागफल एक एक से रूट अंडर नौ में गुना करेंगे तो रूट अंडर नौ होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा प्लस में चार से चार में भाग दिए भागफल एक, एक से एक में गुना किए तो एक हुआ अब प्यारे बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हो जैसे रूट अंडर नौ है रूट अंडर नौ का मतलब समझें रूट अंडर नौ का मतलब हुआ कि तीन गुने तीन रूट अंडर में है समझ रहे हैं ना तीन तीन नौ तो रूट क्या कहता है कि दो गो में से ए बाहर करो तो दो गो तीन में से एक गो तीन बाहर आ जाएगा यानी तीन आएगा इसका रिजल्ट तो हम कह सकते हैं रूट अंडर नौ को तीन प्लस में एक और बटा में चार तो यानी तीन और एक कितना होता है चार और बटा में चार यानी आंसर आ गया प्यारे बच्चों एक ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया राइट दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यार बच्चों अब हम क्या करते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं तो यहां पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है प्यार बच्चों यहां पे समझ सकते हैं दूसरा प्रश्न कहता है कि टू टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर तीस डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर साठ डिग्री बड़ा आसानी से हम याद कर लेंगे भाई आपको वैल्यू पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए भाई वैल्यू पता होना चाहिए हम क्या करेंगे ये टू है तो टू लिखेंगे टेन पैंतालीस डिग्री टेन पैंतालीस डिग्री का मान कितना होता है एक होता है अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और प्लस में कॉस तीस डिग्री का मान क्या होता है भाई तो कॉस तीस डिग्री का मान होता है रूट अंडर थ्री वटा में दो अब ये स्क्वायर है तो हम लगा देंगे स्क्वायर माइनस के साइंस साठ डिग्री साइंस स्क्वायर सात डिग्री है लेकिन हम पहले क्या करेंगे साइंस सात डिग्री का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों तो वो होता है रूट अंडर थ्री बटा में दो होता है लेकिन यहाँ वर्ग है बोले तो स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों दो गुने में एक का स्क्वायर तो एक होगा प्लस में भाई रूट अंडर तीन बटा दो है रूट अंडर तीन का स्क्वायर कितना होगा भाई तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आप कह सकते हो तीन अब दो का स्क्वायर कितना होगा चार तो हम कह दिए चार माइनस रूट अंडर थ्री बटा दो है रूट अंडर थ्री का वर्ग केवल तीन होगा आपको पता है और दो का वर्ग कितना होता है चार गुना करके देख लेना भाई क्योंकि रूट अंडर थ्री का वर्ग मतलब ये हुआ कि रूट अंडर थ्री गुने रूट अंडर थ्री है ना अब इसको आप क्या लिख सकते हैं कि एक साथ रूट करके तीन गुने तीन लिख सकते हैं रूट कहता है कि दो को जब पेयर लग जाता है उसमें से एक बाहर आ जाता है तो तीन आएगा रिजल्ट वही बात है यहाँ पे समझ गए ना तो ये सब कॉमन चीज़ है ये आपको आना चाहिए अब हम क्या करेंगे भाई दो से एक में गुना करेंगे तो दो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से एक तो माइनस का एक प्लस का ये चला, चला कट गया तो कहानी खत्म तो केवल आया दो यही दो हमारे पास आंसर निकल के आ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई तो ये प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया पसंद आ रही तो लाइक करते चलना आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं प्यारे बच्चों करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक तीन को सॉल्व कर लेते हैं तो प्रश्न क्रमांक तीन क्या कहता है यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा कहता है कि कौश पैंतालीस डिग्री बटे में से तीस डिग्री प्लस में कौश इकतीस डिग्री इसको हम सॉल्व करेंगे बस कोई दिक्कत नहीं भाई आपको क्या करना है सबसे पहले तो मान याद होना चाहिए हम क्या करेंगे जैसे कि कौश 45 डिग्री है तो कौश 45 डिग्री का मान होता है एक बटा रूट अंडर दो तो हमने लिख दिया अब लगाई यहाँ पे बटा अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई तो शेख 30 डिग्री का मान जो होता है ना वो कौश 30 डिग्री के मान के उल्टा होता है अपोजिट होता है विक्रम होता है तो बस उल्टा कर देंगे जैसे कि कौश तीस डिग्री का मान क्या होता है भाई तो रूट अंडर थ्री बटा दो होता है तो से एक तीस डिग्री का मान उल्टा कर देंगे तो दो बट्टा रूट अंडर थ्री हो जाएगा है ना तो मैंने कर दिया दो बट्टा रूट अंडर थ्री करेक्ट प्लस है तो प्लस जैसे कि कौश एक तीस डिग्री है तो सैंतीस डिग्री के मान के उल्टा हो जाएंगे सैंतीस डिग्री का मान होता है एक बट्टा दो तो उसका उल्टा करेंगे तो दो बटा एक हो जाएगा तो इसके नीचे एक आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं भाई अब यहाँ से क्या करेंगे है ना यहाँ से क्या करेंगे सबसे पहली बात है एक बटा रूट अंडर दो है ना तो आप लिख लेना एक बटा रूट अंडर दो ये मेन बटा है तो आप क्या करना मेन बटा लिख देना अब रूट अंडर थ्री और एक कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा रूट अंडर थ्री हो जाएगा है ना अब रूट अंडर थ्री से रूट अंडर थ्री में भाग देंगे तो भागफल एक।, एक से इस दो में गुना करेंगे तो दो मतलब बटा का जोड़ कर रहे हैं ठीक है प्लस है तो प्लस कर देंगे है ना एक से रूट अंडर थ्री में भाग दिए तो भागफल रूट अंडर थ्री अब रूट अंडर थ्री से दो में गुना किए तो दो रूट अंडर थ्री आ गया करेक्ट ये आपने सीख लिया एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ठीक है तो ये हमारे पास आ गया अब भाई यहां से हम क्या करेंगे यहां से क्या करना है बहुत सिंपल है भाई यहां से क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं है ना देखो आप क्या करना जैसे कि ये जो देख रहे हैं ना ये मेन बट्टा है और बट्टा का मतलब होता है भाग तो अब हम क्या करेंगे भाग को गुना में ले जाएंगे तो सबसे पहले एक वटा रूट अंडर दो है तो एक वटा रूट अंडर दो हमने लिख दिया बट्टा है बट्टा के अंदर भाग भाग को गुना में ले जाएंगे तो रूट अंडर थ्री कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास दो प्लस में दो रूट अंडर थ्री ये आ गया ठीक है अब क्या करेंगे इसको हम गुना कर देंगे तो इस साइड आइए हम गुना कर देते हैं एक से रूट अंडर थ्री में गुना करेंगे भाई तो हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर थ्री ओके अब क्या करेंगे रूट अंडर दो से दो में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा दो रूट अंडर दो करेक्ट ये आ गया अब हम क्या करेंगे प्लस है तो प्लस अब देखो यहाँ रूट अंडर दो से दो रूट अंडर थ्री में गुना करेंगे तो कितना होगा तो भाई आपको बता देते हैं जैसे कि रूट अंडर दो से गुना करना है किस में तो दो रूट अंडर थ्री में तो रूट वाले से रूट वाले को गुना कर लो दो है तो दो रूट अंडर थ्री से रूट अंडर दो में गुना करेंगे तो रूट अंडर छः हो जाएगा भाई तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट अंडर छः लिख देंगे यानी दो रूट अंडर छः लो भैया हमने यहाँ पे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब तुम लोगों को भाई परिमेयकरण आता है कक्षा नाइन्थ में आप किए थे आता है कि नहीं आता है आना चाहिए परिमेयकरण करेंगे यानी रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा ये जो संख्या है हु बहू ऊपर और नीचे भी लिखना होता है जो प्लस है उसको सिर्फ माइनस कर देना होता है तो आप क्या करेंगे दो रूट अंडर दो लिखो और ये प्लस है तो माइनस कर दो दो रूट अंडर छः ठीक है हमने कर दिया बटा लगाइए फिर वही लिख दो, दो रूट अंडर दो माइनस में दो रूट अंडर छः लो भैया हमने कर दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब क्या करेंगे भाई रूट अंडर तीन से इस सब में मल्टीप्लाई कर दो तो रूट अंडर तीन से दो रूट अंडर दो में गुना करेंगे ये दो है तो दो लिख लो रूट अंडर तीन से रूट अंडर छः में गुना करेंगे सॉरी रूट अंडर दो में गुना करेंगे तो तीन दुना छः हो जाएगा करेक्ट ये माइनस तो माइनस रूट अंडर थ्री से दो रूट अंडर छः में गुना करेंगे तो कितना होगा भाई तो हो जाएगा दो रूट अंडर हमारे पास छतरी अठारह ये हो जाएगा करेक्ट अब हम क्या करेंगे बटा लगाएंगे अब ये देखो ए प्लस देखो आप ध्यान से देखना क्या ध्यान से देखना तो आपको नजर आएगा अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का जा रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इन सभी को हम इसके रूप में तोड़ेंगे ठीक है तो यहाँ दिया ए स्क्वायर तो ए की वैल्यू कितना है दो रूट अंडर दो इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर माइनस तो माइनस बी की वैल्यू क्या है तो बी की वैल्यू हमारे पास दिया गया दो रूट अंडर छः है ना तो हम लिखेंगे दो रूट अंडर छः अब क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर कर देंगे कर दिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई तो हमारे पास क्या होगा ये आ जाएगा सबसे पहले ये हमारे पास जो हुब हुआ है दो रूट अंडर छः तो दो रूट अंडर छः हमने लिख दिया माइनस के दो रूट अंडर अठारह है तो दो रूट अंडर अठारह हमने लिख दिया अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई <coughs> यहाँ पे हम ये करेंगे कि बटा लगाइए अब देखो भाई रूट अंडर दो रूट अंडर दो का स्क्वायर कितना होगा तो भाई दो का स्क्वायर होता है चार है ना और गुने में रूट अंडर दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दो तो हम लिख दिया दो माइनस तो माइनस दो का स्क्वायर होता है चार और गुने में रूट अंडर छः का स्क्वायर करेंगे तो केवल छः आएगा करेक्ट ये हमारे पास आ गए पैर बच्चों एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम अब यहाँ से क्या करेंगे भाई यहाँ से देखो दो रूट अंडर छः तो दो रूट अंडर छ माइनस तो माइनस अब देखो आपको क्या करना रूट अंडर अठारह को जैसे दो रूट अंडर अट्ठारह है ना दो रूट अंडर अठारह दिख रही है है ना तो रूट अंडर अठारह को तोड़ लो ना तो दो बीच में गुना रहता है रूट अंडर अठारह को क्या लिख सकते हो दो गुने में तीन गुने में तीन लिख सकते हो दो ती छतरी अठारह लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दो गुने में अब पेयर जो लग जाता है तो क्या होता है रूट से बाहर आ जाता है तो दो यहाँ पे दो को तीन है तो एक तीन बाहर आ जाएगा और दो का पेयर नहीं लगा इसलिए अंदर रहेगा तो तीन दूना छः रूट अंडर दो आ जाएगा क्लियर छ रूट अंडर दो आ जाएगा पैर बच्चों तो हम क्या करेंगे दो रूट अंडर अठारह को हम लिख सकते हैं आसानी से छ रूटर दो हमने यहाँ पे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत भाई अब यहाँ पे किसी को दिक्कत ही नहीं हो सकता है ना यहाँ पे क्या दिक्कत होगा तो ये हमने कर दिया अब यहाँ पे लगाएंगे बट्टा हमने यहाँ पे बट्टा लगा दिया अब देखो चार दूना कितना होता है भाई आठ होता है और माइनस में छः चौक कितना होता है चौबीस होता है राइट ये मैंने कर दिया अब यहाँ से क्या करेंगे अब यहाँ से हेलो हेलो अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे देख लो सबसे पहले आप क्या करना जैसे कि ये हमारे पास है तो आप लिख सकते हो इसको दो रूट अंडर छः हमने लिख दिया माइनस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस करेक्ट हमने माइनस लिख दिया छः रूट अंडर दो को क्या लिख सकते हो आप इसे लिख लो ना दो गुने में तीन यानी छे को हमने लिखा दो गुने तीन और रूट अंडर दो है तो रूट अंडर दो हमने लिख दिया करेक्ट और बटा लगाएंगे आठ में से चौबीस घटाएंगे तो कितना होगा भाई माइनस का कितना होगा आठ दो न सोलह ये सोलह आएगा आठ में से चौबीस घटाएंगे तो माइनस का सोलह अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है इसमें कॉमन हमको तो सर ये नज़र आ रहा है केवल दो यहाँ भी दो तो दो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा रूट अंडर छः और माइनस के इधर ये तो दो निकल गया तो हमारे पास बचा तीन रूट अंडर के दो ये आया हमारे पास क्लियर तो ये हमने कर दिया अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों माइनस का सोलह है तो हम लिखेंगे माइनस का सोलह करेक्ट आप काटो आठ दूना सोलह हमने काट दिया करेक्ट तो मैंने आठ काट दिया तो हमारे पास आया क्या हमारे पास आया रूट अंडर छः माइनस के तीन रूट अंडर दो और बटे में क्या आया हमारे पास माइनस के आठ इस माइनस को हटाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस माइनस को हटाने के लिए अपना इसमें कॉमन ले लो क्या कॉमन ले लो प्यारे बच्चों वो मैं आपको बता देता हूँ है ना सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट किया अब इसको जो है ना कहीं और रख देते हैं यहाँ पे शिफ्ट हमने कर दिया करेक्ट अब इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है भाई इस माइनस हटाने के लिए ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे क्या लेंगे अगर माइनस कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो जो प्लस का वो माइनस जो माइनस का प्लस तो ये जो माइनस वाला है तीन रूट अंडर दो वो प्लस का हो जाएगा तो प्लस का तीन रूट अंडर दो कर देते हैं करेक्ट अब ये प्लस का रूट अंडर छो ये हो जाएगा माइनस का रूट अंडर छो क्लियर अब बटे में माइनस के आठ ये माइनस से माइनस कैंसिल तो हमारे पास ये आया तो तीन रूट अंडर दो करेक्ट और माइनस के रूट अंडर छः और बटा में आठ यही हमारे पास क्या हो गया आंसर निकल के आ गया करेक्ट प्यारे बच्चों तो ये आप देख सकते बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया आइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख सकते प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न क्या कहता है ये हमारे पास दिया गया बस आपको क्या करना है मान पुट करना है तो आइए हम क्या करते हैं भाई मान पुट करते चलते रहते हैं ठीक है तो मान पुट करेंगे साइन तीस डिग्री का मान कितना होता है भाई एक बट्टा दो होता है प्लस में टेन पैंतालीस डिग्री का मान क्या होता है तो एक होता है और माइनस में कौश एक साठ डिग्री का मान पूछा जा रहा है साइन सात डिग्री के मान का उल्टा कर देना तो ये हो जाएगा भाई वो होता है रूट अंडर थ्री बट्टा दो तो ये हो जाएगा दो बट्टा रूट अंडर थ्री करेक्ट ये मैंने कर दिया आपको पता चल गया अब प्यारे बच्चों से एक तीस डिग्री का मान क्या होता है भाई तो दो बट्टा में रूट अंडर थ्री बिल्कुल कौश तीस डिग्री के मान के उल्टा होता है ओके अब देखो ये हमारे पास आ गया अब ये प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री कौस 60 डिग्री का मान क्या होता है एक वटा में दो होता है प्लस में कॉट 45 डिग्री एक होता है अब इसको हम क्या करते हैं भाई सॉल्व कर लेते हैं बड़े आसानी से हम क्या करेंगे भाई इसके नीचे तो एक छिपा रहता है ले लो दो एक रूट अंडर तीन कैल्शियम लेंगे तो दो रूट अंडर तीन आ जाएगा क्लियर अब हम क्या करेंगे भाई दो से दो दो से अगर भाग देंगे इसमें तो दो से दो तो कैंसिल कट जाएगा बचेगा रूट अंडर तीन रूट अंडर तीन से एक में गुना करेंगे तो रूट अंडर तीन आएगा प्लस है तो प्लस लिख दो एक से इसमें भाग देंगे तो वही बात आएगा और वो जो आएगा एक से गुना कर दो यानी दो रूट अंडर तीन आ जाएगा ठीक है माइनस है तो माइनस रूट अंडर तीन से दो रूट अंडर तीन में भाग देंगे तो रूट अंडर तीन से रूट अंडर तीन कट जाएगा तो बचेगा दो दो से दो में गुना करेंगे तो आ जाएगा चार क्लियर ये हमारे पास आ गया अब ये मेन बटा है ना तो आप क्या करें मेन बटा डाल दें हमने मेन बटा डाल दिया अब इसके नीचे एक छिपा है इसका सब कैल्शियम लेंगे तो वही वह होगा दो रूट अंडर तीन आ जाएंगे अब क्या करना भाई एसिड तो दो रूट अंडर तीन आ जाएंगे एल्शियम क्या करना यहां पे बस इसमें भाग देंगे तो रूट अंडर तीन से दो रूट तीन भाग देंगे तो रूट अंडर तीन से रूटर कट जाएगा दो से दो में गुना करेंगे तो चार प्लस है तो प्लस इससे इसमें भाग देंगे तो दो से दो कैंसिल तो रूट अंडर तीन रूट अंडर तीन से एक में गुना करेंगे तो रूट अंडर तीन आ जाएगा क्लियर प्लस है तो प्लस अब देखो एक से इसमें भाग देंगे तो वही आ जाएगा एक से दो रूट अंडर तीन में भाग देंगे तो दो रूट अंडर तीन आएगा और दो रूट अंडर तीन से एक में गुना करेंगे भाई तो दो रूट अंडर तीन आ जाएगा क्लियर ये हमारे पास आ गया अब हम क्या करेंगे भाई इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं चलिए अब यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले एक चीज़ कटेगा ये चला से ये चला कट गया तो ये हमारे पास कट गया अब ए गो रूट अंडर तीन दो गो रूट अंडर तीन तो ये हो गया तीन गो रूट अंडर तीन ठीक है माइनस का चार तो माइनस का चार बटा में इधर देखिए दो गो रूट अंडर तीन ए गो रूट अंडर तीन टोटल हो गया तीन गो रूट अंडर तीन ठीक है ये प्लस का चार है तो प्लस का चार रख दो हमने प्लस का चार रख दिया यहाँ से परिमेयकरण कर लो तो परिमेयकरण करते हैं तो आपको पता है जितना ऊपर से लिखते हैं उतना ही नीचे लिखना पड़ता है बस ये हु लिख दो ऊपर तीन रूट अंडर तीन बस चिन्ह में परिवर्तन करना है प्लस है तो वो माइनस का चार हो जाएगा नीचे भी तीन रूट अंडर तीन प्लस है तो माइनस का ये चार हो जाएगा क्लियर ये मैंने कर दिया अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये आपको नजर आएगा हु बहू एकदम सेम जैसे कि ये तीन रूट तीन माइनस चार ये भी तीन रूट तीन, तीन माइनस चार तो आप दो गुने दो देंगे तो आप क्या कर सकते दो का स्क्वायर कर देते हैं कि नहीं तो ये सेम है और गुना में है तो सेम है तो इसका स्क्वायर कर दो तीन रूट अंडर तीन माइनस के चार इसका क्या करो होल स्क्वायर कर दो बटा लगाओ ये देखो ये हम ए मानते हैं इसको बी मानते हैं ये ए मानते हैं इसको बी मान लेते हैं तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप के जा रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है भाई तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सिट वो होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यही ना होता है इसी पर हम क्या करेंगे तोड़ेंगे आइए ए स्क्वायर मतलब तीन रूट अंडर तीन का स्क्वायर तीन रूट अंडर तीन का स्क्वायर करेक्ट माइनस बी स्क्वायर तो माइनस अब बी स्क्वायर मतलब बी के जगह पे चार है तो चार का स्क्वायर करेंगे करेक्ट अब इसको हम तोड़ेंगे भाई तो कितना होगा ये ए ये माइनस के ये बी हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब तीन रूट अंडर तीन का होल स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर तो मतलब चार का होल स्क्वायर और माइनस में टू ए बी तो टू तो और गुने में ए हमारे पास क्या है तीन रूट अंडर तीन

चार का स्क्वायर कितना होता है भाई सोलह होता है हमने सोलह लिख दिया अब ऊपर का काम करते हैं हम तीन रूट तीन का स्क्वायर तो हम देख रहे हैं कि ये थे सत्ताईस आया तो सताईस लिख दिए प्लस में चार का स्क्वायर सोलह हमने कर दिया माइनस में चार तीन बारह बारह दूना चौबीस हमने चौबीस कर दिया ये रूट अंडर तीन तो रूट अंडर तीन करेक्ट ये मैंने किया और बटा लगाएंगे बटा लगाने के बाद देखिए सताईस में से सोलह घटा देंगे अब सताईस में से सोलह घटाई सात में से छः गया तो एक दो में से गया तो एक ग्यारह आ गया अब हमारे पास बचा क्या भाई तो देख लो सताईस सोलह जोड़ दो है ना सात छः तेरह के तीन हासिल एक दो एक तीन एक चार तैतालीस है ना और माइनस में क्या हो गया चौबीस चौबीस रूट अंडर तीन और बटा में क्या लिखेंगे भाई ग्यारह तो हम लिखेंगे ग्यारह ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया कोई दिक्कत नहीं नहीं दिक्कत भाई तो यहाँ हमारे पास आंसर आया राइट चलिए समझ में आई नहीं समझ में आया होगा कहाँ पे दिक्कत है वो हमें बताना ठीक है तो ये हमारे पास चौथा प्रश्न हो गया सॉल्व अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे चलिए पाँचवा को हम सॉल्व करते हैं पाँचवा बड़ा सिंपल है हम क्या करेंगे इसमें मान पुट करेंगे पाँच है तो पाँच लिखेंगे और गुना में कॉस स्क्वायर साठ डिग्री है तो कॉस साठ डिग्री का मान लिखेंगे भाई तो आइए हम कौस सात डिग्री का मान लिखते एक बटा दो इसका कर देंगे हॉल स्क्वायर प्लस है तो प्लस फोर सैकतीस डिग्री तो फोर गुने में सैकतीस डिग्री वो जो होता है ना कौस्तीस डिग्री के मान के उल्टा होता है ठीक है तो वो होता है रूट अंडर थ्री बट्टा दो तो ये हो जाएगा दो बट्टा रूट अंडर थ्री और इसका हम क्या कर देंगे हॉल स्क्वायर कर देंगे माइनस के टेन पैंतालीस डिग्री का मान होता है एक इसका कर देंगे हॉल स्क्वायर अब बट्टा में है प्यारे बच्चों हम बट्टा लगा देंगे साइंतीस डिग्री का मान होता है एक बट्टा में दो और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस में प्लस में कॉ तीस डिग्री का मान क्या होता है रूट अंडर थ्री बट्टा में दो तो दो लिखेंगे और इसका हॉल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए ठीक है अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना ध्यान से पाँच गुने में एक बट्टा दो का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक दो का स्क्वायर चार होता है करेक्ट प्लस में तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे चार गुने में दो का स्क्वायर कितना होता है भाई चार होता है और रूट अंडर तीन का स्क्वायर क्या होगा तीन होगा केवल माइनस का एक का स्क्वायर एक होता है नीचे करिए तो अब नीचे किए तो हमारे पास क्या आ गया भाई एक वटा दो का स्क्वायर एक वटा में चार प्लस में रूट अंडर तीन वटा दो का स्क्वायर तो रूट अंडर तीन का स्क्वायर करेंगे तो केवल तीन आएगा और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है इसलिए तीन कर दिया दो का स्क्वायर हमने चार कर दिया क्लियर अब हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे यहाँ पे देखो पाँच से एक में गुना करेंगे तो पाँच और बटा में ये चार है तो चार प्लस है तो प्लस लिखो चार चौके कितना होगा सोलह और बटा में हो जाएगा तीन ये माइनस का एक तो एक अब नीचे क्या करेंगे ये वाला इसका एल्शियम लेंगे चार चार का एल्शियम लेंगे तो चार अब हमारे पास कितना हो गया ये एक और प्लस में ये तीन होगा यही ना होगा तो ये हमारे पास क्या होगा आ गया हमारे पास कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब क्या करेंगे इस साइड हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं भाई ये जो देख रहे हैं चार तीन और इसके नीचे भी एक छिपा रहता है इसका एल्सियम लेंगे तो चार तीय कितना होगा भाई बारह एल्शियम निकल करके आ जाएंगे अब देखो चार से बारह में भाग देंगे तो भागफल फल तीन आएगा चारती बारह तीन आ तीन से इस पाँच में गुना करेंगे तो पानती आई पंद्रह हो जाएगा करेक्ट प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस अब देखो तीन से भाग देंगे बारह में तो तीन चौके बारह तो चार आ चार से सोलह में गुना करेंगे तो सोलह सोलह चौका कितना हो जाएगा चौंसठ हो जाएगा ना तीन चौके बारह तो सोलह से चार में गुना सोलह चौका चौंसठ ये मैंने चौंसठ कर दिया राइट अब देखो ये माइनस तो माइनस लगा दो अब देखो एक से हम क्या करेंगे इस बारह में भाग देंगे तो बारह है ना और बारह से एक में गुना करेंगे तो कितना होगा भाई बारह ही होगा है ना हमने कर दिया और नीचे देख लीजिए भाई नीचे हमारे पास क्या बच गया नीचे तीन और एक चार चार लिखेंगे और बटा में ये चार जो दिया गया है वो चार लिख देंगे हमने लिख दिया है ना कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब हम सॉल्व करते हैं देखो भाई पंद्रह में से बारह जाएगा तो तीन होगा है ना तीन बचेगा बारह तीन पंद्रह और वही तीन चौंसठ में जोड़ देंगे तो सड़सठ होगा और बट्टे में बारह है तो बारह ये चार से चार तो भैया इसका हवा पानी उड़ गया है कहानी खत्तम खत्म अब ये बचा यही हमारे पास आंसर आया सड़सठ बट्टा बारह आंसर आया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई आप क्या करना इसको नोट कर सकते कोई दिक्कत नहीं आगे देखते हैं प्यारे बच्चे दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं दूसरा में क्या कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए दूसरा में टोटल हमारे पास चार प्रश्न हैं चारों प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो आइए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पहला प्रश्न को सॉल्व करें चलिए सॉल्व कर लेते हैं टू टेन तीस डिग्री तो हम लिखेंगे क्या भाई यहाँ से टू और गुने में टेन तीस डिग्री का मान कितना होता है तो एक बटा में रूट अंडर थ्री होता है मेन बटा है बटा लगा दीजिए क्या करेंगे मेन बटा लगा देंगे अब क्या करना वन प्लस में टेन तीस डिग्री मान क्या होता है तो एक बट्टा में रूट अंडर तीन होता है इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे दो से एक में गुना करेंगे तो दो और बट्टे में रूट अंडर तीन आ जाएगा बटा लगाइए वन प्लस में एक का स्क्वायर एक और बट्टे में रूट अंडर तीन का स्क्वायर कितना होता है तीन होता है इसके नीचे एक छिपा रहता है अब हम सॉल्व करेंगे दो बट्टे में रूट अंडर तीन तो रूट अंडर तीन मेन बटा लगाइए एक और तीन का एल्सम लेंगे तो तीन एक से तीन में भाग दिए तो भागफल तीन तीन से एक में गुना किए तो तीन प्लस है तो प्लस तीन से तीन में भाग दिए तो भागफल फल एक, एक से एक में गुना किए तो एक अब आगे देखिए ये हमारे पास हो जाएगा दो बटा में रूट अंडर तीन ये मेन बटा लगा ये तीन और कितना होगा चार और बटा में हमारे पास तीन है तो तीन अब देखो भाई ये मेन बट्टा है क्या है मेन बट्टा है तो आपको पता है कि अगर हम इसको लिख दे भाई कि अ, दो बटा में रूट अंडर तीन ठीक है मेन बटा बटा का अंदर तो भाग भाग को गुना में ले जाएंगे तो तीन ऊपर जाएगा और चार नीचे आ जाएगा काट सकते इसको दो दुना चार हमने काट दिया हमारे पास बचा क्या भाई हमारे पास बच गया तीन बटा में रूट अंडर तीन क्लियर अब देखो तीन को क्या लिख सकते हैं तीन को ये लिख सकते हैं तीन गुने में तीन यानी रूट अंडर तीन गुने में रूट अंडर तीन बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि रूट अंडर तीन से रूट अंडर तीन में गुना करेंगे तो रूट अंडर नौ नौ को और निकालेंगे तो तीन तीन को ये लिख सकते हैं आसानी से अब रूट अंडर तीन है तो रूट अंडर तीन काट दो जो कटने वाला है रूट अंडर तीन से कट गया अब देखो रूट अंडर तीन किसका वैल्यू भाई साइंस सात डिग्री का नहीं कौ सात डिग्री का भी नहीं है टेन सात डिग्री का हाँ टेन सात डिग्री का मान होता है रूट अंडर थ्री तो ऑप्शन सी राइट आंसर है ना हमारे पास क्या हो जाएगा सी में हो जाएगा टेन जो है ना हमारे पास वो सात डिग्री का मान होता है रूट अंडर थ्री यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओके तो ये आपने प्रश्न सॉल्व कर लिया आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं दूसरा सॉल्व करते वन माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री कोई दिक्कत नहीं रे भाई वन है तो वन माइनस टेन पैंतालीस डिग्री का मान होता है एक एक का स्क्वायर कर देंगे बट्टे में वन और प्लस में टेन पैंतालीस डिग्री का मान होता है एक एक का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए जब सॉल्व करेंगे तो एक माइनस में एक का स्क्वायर एक और बट्टे में एक प्लस एक का स्क्वायर एक होता है करेक्ट एक में से गया तो जीरो और बट्टे में एक एक जोड़ेंगे तो दो अब पता है कि जीरो में दुनिया की किसी भी संख्या से भाग दोगे तो जीरो ही आएगा अब देखो जीरो का है ऑप्शन डी राइट आंसर करेक्ट ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे आगे बढ़ते प्यारे बच्चे दूसरा हो गया अब ये तीसरा सॉल्व कर लेते हैं साइन टू ए बराबर टू साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है यहां पे आपको क्या करना ए का मान बारी बारी से लेकर के देखना है कि इसका बरा, कब बराबर होता है जब बराबर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा तो हम पहले ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं है ना तो ले लेते हैं कि माना माना ए बराबर क्या लिख देते हैं जीरो डिग्री अब जीरो डिग्री लेकर के देखते हैं तो चलिए सॉल्व करते हैं तो दिया गया साइन टू ए तो टू बीच में गुना एक जगह पे क्या लिखेंगे जीरो डिग्री बराबर में टू साइन एक जगह पे लिखेंगे जीरो डिग्री करेक्ट अब देखो साइन दो से जीरो डिग्री में गुना करेंगे तो जीरो डिग्री बराबर टू साइन क्या है भाई टू साइन है ना कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या करेंगे टू साइन लिख देते हैं अच्छा साइन टू है तो साइन टू ये ठीक है अब इधर क्या टू साइन है तो टू साइन ए के जगह पे रखेंगे जीरो डिग्री करेक्ट हमने रख दिया कोई दिक्कत नहीं भाई और बीच में क्या रहता है गुना रहता है ये दो के बीच में साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है जीरो डिग्री है ना साइन जीरो डिग्री का मान जीरो हम लिख देते हैं जीरो करेक्ट तो हमने जीरो लिख दिया अब साइन जीरो डिग्री का मान होता है जीरो यहाँ पे बराबर दो से जीरो में गुना तो जीरो तो ये बराबर आ गया किस मान के लिए तो ऑप्शन ए के लिए तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं प्यारे बच्चों चौथा सॉल्व करते हैं ये हम टू टेन तीस डिग्री कोई दिक्कत नहीं भाई टू गुने में टेन तीस डिग्री का मान कितना होता है भाई एक बटा में रूट अंडर तीन होता है एक बटा रूट अंडर तीन रखती है बट्टा लगाओ मेन वन माइनस में टेन स्क्वायर तीस डिग्री टेन तीस डिग्री का मान होता है एक बटा में रूट अंडर तीन इसका कर दो होल स्क्वायर क्लियर अब हम क्या करेंगे भाई दो से एक में गुना करेंगे तो दो और बट्टा में रूट अंडर तीन तो रूट अंडर तीन कर देंगे मेन बटा तो मेन बटा एक माइनस में एक का स्क्वायर एक और रूट अंडर तीन का स्क्वायर हो जाएगा तीन केवल इसके नीचे के एक छिपा रहता है हाँ भाई छिपा रहता है आगे बढ़ते हैं ये हो जाएगा दो बटा में रूट अंडर तीन और मेन बट्टा लगाइए तीन एक काल कैल्सियम होगा तीन चलिए सॉल्व किए बटा के घटाव आता है ये हमारे पास हो जाएगा तीन ये हो जाएगा माइनस का एक बस यही ना हुआ अब इसको हम क्या लिख सकते भाई दो बटा में रूट अंडर तीन मेन बट्टा लगा दीजिए तीन में से एक गया तो दो और बटा में तीन है तो तीन राइट <coughs> कुछ कटने वाला है क्या नहीं कटने वाला है चलो <coughs> इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं भाई दो बटा में रूट अंडर तीन तो रूट अंडर तीन क्या है कि दो बटा में रूट अंडर तीन तो रूट अंडर तीन ये ऊपर वाला मेन बट्टा बट्टा को मतलब क्या होता है भाग भाग को गुना में ले जाएंगे तो तीन ऊपर जाएगा दो नीचे आएगा दो से दो कैंसिल हमारे पास बचा क्या तीन बटा में रूट अंडर तीन है ना तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया तीन को क्या लिख सकते तीन को लिख सकते रूट अंडर तीन गुने में रूट अंडर तीन हाँ बिल्कुल आसानी से अब बटे में ये रूट अंडर तीन तो रूट अंडर तीन काट दो है ना रूट अंडर तीन से रूट अंडर तीन काटेगा तो रूट अंडर तीन आएगा बचेगा है ना अब रूट अंडर तीन देखो किसका मान है टेन साठ डिग्री का मान होता है भाई रूट अंडर तीन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर चौथा सॉल्व हो गया तीसरा सॉल्व कर लेते हैं तीसरा क्या कहता है यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट अंडर थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर एक बटा रूट अंडर थ्री तो कंडीशन कहता है कि ए प्लस बी जो है ना जीरो डिग्री से क्या है बड़ा है ये मुझे घुमाता है उधर की संख्या बड़ी होती है तो क्या है कंडीशन कि जीरो डिग्री जो है ना ए प्लस बी से छोटा है इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जीरो डिग्री से ए प्लस बी बड़ा है और ए प्लस बी जो है ना नब्बे डिग्री से क्या है भाई छोटा है एवं बराबर है तथा तो ए की जो वैल्यू है ना बी से बड़ा होनी चाहिए है ना तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए निकाल लेते हैं यहाँ कंडीशन जो कहता है ना जब भी हम मान निकालेंगे ना तो ए का मान ज़्यादा आएगा और बी का मान कम आएगा ठीक है <coughs> हेलो तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले लिखेंगे हल तो मैंने लिखा हल भाई ये देखो टेन ए प्लस बी है ना तो हम लिखेंगे टेन इंटू ए प्लस में बी है ना बराबर में रूट अंडर थ्री है टेन कितने डिग्री की वैल्यू होती है रूट अंडर थ्री तो हम कहेंगे सर टेन साठ डिग्री का मान होता है रूट अंडर थ्री क्लियर अब देखो दोनों की तुलना करेंगे तो टेन से टेन तो कहानी खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या ए प्लस बी बराबर में साठ डिग्री यही ना टेन से टेन कैंसिल तो हम बचेगा ए प्लस बी काट मत देना इसको क्योंकि ये डिग्री है बीच में गुना नहीं है जो काट दोगे गलत हो जाएगा काटना मत बस तुलना करोगे तो ये आएगा ए प्लस बी बराबर सात डिग्री ये समीकरण एक हो गया उसी तरीके से सेकेंड कंडीशन से ये शर्त एक था क्या था भाई शर्त एक था है ना शर्त एक सेकेंड शर्त से चलते हैं सेकेंड शर्त ये वाला है टेन हमारे पास क्या देगा टेन ए माइनस के बी बराबर एक वटा रूट अंडर थ्री टेन कितना डिग्री का एक वटा रूट अंडर थ्री होता है तो आप कहोगे सर एक वटा रूट अंडर थ्री टेन जो है ना वो तीस डिग्री का मान होता है तो तीस डिग्री का मान रख दो अब टेन से टेन तुलना करें ये कहानी खत्म तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा ए माइनस के बी और बराबर में क्या बचेगा हमारे पास बचेगा यहाँ पे तीस डिग्री कितना बचेगा भाई तीस डिग्री क्लियर ये बचाएगा ये समीकरण दो हो जाएगा समीकरण एक एवं दो से विलोपन विधि से सॉल्व कर दे कर देते हैं यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक एवं समीकरण दो से समीकरण दो से ठीक है तो समीकरण एक हमारे पास है ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और समीकरण दो है ए माइनस के बी बराबर में 30 डिग्री तो समीकरण किसकी मदद से चलते हैं समीकरण यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाता है और जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है तो हम जोड़ने पर लिख देते क्या लिखेंगे भाई जोड़ने पर चिन्ह हमको नहीं बदलना है क्योंकि एक तो बराबर है ये प्लस का ये माइनस का ये चला से ये चला कट गया ए गो ए कितना होगा दो गो ए हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा दो गो ए हो जाएगा और बराबर में कितना होगा साठ और तीस कितना होता है नब्बे नब्बे डिग्री अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे तो भाई अगर हम लिखेंगे इसलिए ए का मान कितना होगा भाई तो नब्बे डिग्री अब देखो ए का मान दो गुना में बराबर से इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा पैंतालीस डिग्री है ना तो ए की वैल्यू आ गई भाई पैंतालीस डिग्री राइट अब हम क्या करेंगे बी का मान निकालेंगे तो ए का मान लिखेंगे ए का मान जो है ना समीकरण किसी में भी रख सकते हो तो समीकरण एक में रख देते हैं एक में रखने पर रखने पर राइट तो एक हमारे पास क्या ये वाला है तो आइए रख देते ए प्लस बी बराबर सात डिग्री तो ए के जगह पे लिखेंगे पैंतालीस डिग्री तो हम लिखेंगे क्या पैंतालीस डिग्री और प्लस में बी के जगह पे बी रख दो और बराबर में 60 डिग्री इसलिए हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू कितना होगा भाई 60 डिग्री प्लस है तो पक्षांत करेंगे माइनस के 45 डिग्री तो बी का मान आ गया 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री राइट तो देखो ये आया बी का मान और ये आया हमारे पास ए का मान कंडीशन भी कह रहा था ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए बी से बड़ी होनी चाहिए तो बी से तो बड़ी ए की वैल्यू है ना ये हमारे पास आंसर आ गया कोई दिक्कत नहीं चौथा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है पहला पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए पहला क्या सत्य है या असत्य है वो हम जांच कर लेते हैं भाई तो प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है हम ऐसे जांच नहीं कर पाएंगे कि है या नहीं हम कोई वैल्यू पुट करेंगे मान लेंगे कि अगर हम मान लेते हैं ए का मान चलो तीस डिग्री मान लेते हैं है ना और बी का मान साठ डिग्री मान लेते हैं अब मान पुट करेंगे तो अगर हम इसमें मान पुट करेंगे भाई तो साइन है ना ए प्लस बी है तो ए के जगह पे तीस डिग्री और प्लस में बी के जगह पे साठ डिग्री तो दोनों जोड़ देंगे साठ अड़तीस कितना हो जाएगा भाई नब्बे डिग्री तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये नब्बे डिग्री हो जाएंगे करेक्ट इन दोनों को क्योंकि ए के जगह पे तीस और बी के जगह पे साठ साठ अड़तीस नब्बे तो साइन नब्बे डिग्री बराबर में साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन बी तो साइन ए लिखेंगे साइन ए ए का मान कितना है भाई तीस डिग्री हमने तीस डिग्री लिख दिया अब प्लस में साइन बी तो साइन बी का मान कितना है भाई साठ डिग्री तो हम लिखेंगे साठ डिग्री अब प्यारे बच्चों साइन नब्बे डिग्री का मान रख देना जैसे साइन जीरो डिग्री का मान जीरो तो साइन नब्बे डिग्री का मान क्या होता है एक होता है क्या होता है एक होता है बराबर में साइन तीस डिग्री का मान कितना होता है भाई तो साइन तीस डिग्री का मान होता है एक बटा में दो और प्लस में साइन सात डिग्री का मान क्या होता है तो वो होता है रूट अंडर थ्री बटा में दो भाई इन सभी को जब सॉल्व करोगे ना तो एक के बराबर आ ही नहीं सकता है देख लो ये हमारे पास इसको अगर इधर सॉल्व कर ले एक बराबर में तो ये हमारे पास दो एल्सियम लेंगे तो ये आ जाएगा एक प्लस में रूट अंडर थ्री क्या एक के बराबर ये होगा नहीं होगा बराबर बराबर है ही नहीं इसका मतलब कथन क्या असत्य है तो ये हमारे पास क्या है असत्य है राइट पहला दूसरा सॉल्व करते हैं भाई दूसरा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ है ना ठीटा में वृद्धि होने के साथ साइंस ठीटा के मान में वृद्धि होती है देख लेते हैं ठीठा में वृद्धि करेंगे तो क्या साइंस ठीटा के मान में वृद्धि होगा देखो जैसे ये साइंस ठीटा है सब ऊपर वैल्यू है देखो हम पहले जीरो डिग्री लिए तो साइंस जीरो डिग्री के वन जीरो अब हम क्या करें वृद्धि कर रहे हैं तो साइन अब हम क्या करें तीस डिग्री तो ठीटा में ऐसे वृद्धि होती जा रही है तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री सात डिग्री नब्बे डिग्री तो वही पूछ रहा है कि ठीटा में अगर वृद्धि करते हैं तो साइन ठीटा की जो वैल्यू निकलती है उसमें वृद्धि होती है यानी बढ़ते क्रम में है देख लेते हैं साइन जीरो डिग्री वन जीरो चलो ठीक है साइन तीस डिग्री वन एक वटा दो तो भाई जीरो से तो एक वटा दो बड़ा है तो बढ़ते क्रम वृद्धि हो रही है साइन पैंतालीस डिग्री वन एक वटा रूट अंडर दो आप एक वटा रूट अंडर यानी रूट अंडर दो को आप निकालेंगे पूरा वैल्यू अब एक में भाग देंगे तो एक वटा दो से बड़ी आएगी क्या आएगी बड़ी आएगी फिर वही साइंस सात डिग्री वन रूट अंडर थ्री बटा दो, दो से इसमें भाग देंगे तो इससे क्या होगी इसमें बड़ी आएगी उसी तरीके से साइन नब्बे डिग्री वन एक तो कहने का मतलब देख रहे हैं कि सारा जो है ना वृद्धि होते जा रहा है बढ़ते क्रम में जा रहा है तो ठीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन ठीठा के मान में भी वृद्धि हो रही है प्यारे बच्चों तो ये कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा क्लियर सत्य दूसरा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस्ट ठीठा के मान में वृद्धि होता है क्या आइए हम क्या करते देख लेते हैं भाई है ना होता है कि नहीं होता है देखो भाई कौष थीटा में ना ये हुआ एक नहीं भाई घटते क्रम में देख सकते हो इसमें वृद्धि है लेकिन इसका मान देखो यहाँ से क्या है भाई ये एक है फिर ये वाला मान यहाँ पुट है फिर ये वाला मान यहाँ फिर ये यह वाला मान यहाँ फिर ये यहाँ है मतलब इधर क्या है प्यारे बच्चों घटते क्रम में है हम ठीटा में वृद्धि किए हैं तो कॉस्ट जो हमें वृद्धि नहीं हो रहा है बल्कि घट ही रहा है क्या हो रहा है घटते क्रम में आ रहा है देखो कॉस्ट जीरो डी के वन एक है कॉस्ट तीस डी का रूट अंडर रूट अंडर थ्री बटा दो है जबकि क्या है एक से ये छोटी है वृद्धि तो नहीं बढ़ नहीं रही है ये भी छोटी ये भी छोटी ऐसे है है ना इसलिए वृद्धि नहीं हो रहा है तो कहने का मतलब क्या होंगे ये असत्य हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई ये असत्य है तीसरा राइट चौथा क्या कहता है ठीटा के सभी मानों पर साइन ठीटा बराबर कॉस्ट ठीटा बराबर होता है ठीटा के सभी मानों पर कॉस्टा और साइंस ठीटा देखते हैं बराबर होता है कि नहीं देख लेते हैं भाई बराबर होता है कि नहीं देखो साइन ठीटा की वैल्यू ये वाला है और कॉस्टा की वैल्यू ये वाला है अगर सभी मान आपस में बराबर होंगे तो कहेंगे सत्य सभी मान बराबर में नहीं होंगे तो कहेंगे असत्य तो आप देखेंगे यहाँ जीरो डिग्री मतलब साइंस जीरो डिग्री की मन यहाँ जीरो है और कॉस्ट जीरो डिग्री की मन यहाँ एक है ये दोनों बराबर है कभी नहीं बराबर हो सकता ये दोनों बराबर है नहीं है एक बटा रूट अंडर दो है ये रूट अंडर थ्री वाटा दो नहीं बराबर है बराबर केवल एक ही बराबर है बाकी सब क्या है बराबर है नहीं है बराबर भाई ये भी बराबर नहीं है है ना केवल एक बराबर है यहाँ पूछा जा रहा था कि छीटा के सभी मान के लिए क्या साइंसा कॉस्ट बराबर है नहीं है सब मान के लिए केवल एक मान के लिए इसलिए क्या हो जाएगा भाई असत्य हो जाएगा असत्य तो हम लिख देते ये असत्य है क्लियर अब देखो ए का मान जीरो डिग्री है तो कॉट ए को परिभाषित नहीं है कॉट ए परिभाषित नहीं मतलब कॉट एक जगह पे जीरो डिग्री मतलब क्या कॉट जीरो डिग्री का मान परिभाषित नहीं ये आंसर आता है क्या देख लो भाई हमने आपको बताया था कॉट देखो कॉट जीरो डिग्री अपरिभाषित यानी परिभाषित या नहीं है मतलब कथन सत्य कह रहा है मतलब ये सही आंसर है बोले तो ये सत्य है ये क्या है सत्य है क्लियर तो आपने इसको समझ लिए प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करते चलना दोस्तों को शेयर करना मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों